अब हम परक्यूजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। परक्यूजिट्स कह दो या फैसिलिटीज कह दो, यानी किसी कर्मचारी को वस्तु के रूप में कोई सुविधा दी जाती है तो वो परक्यूजिट्स की श्रेणी में आएगा। अब परक्यूजिट्स के बारे में, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का टॉपिक है ये भी। अब इसमें अपन परक्यूजिट्स को समझने से पहले अपन इसको तीन कैटेगरी में बांट देंगे। पहले तीन कैटेगरी, पहली कैटेगरी हो जाएगी फुली टैक्सेबल परक्यूजिट्स और ऑल एम्प्लॉयज। सभी कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ। सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी टैक्सेबल टैक्सेबल और स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल। और तीसरी हो जाएगी फुली टैक्स फ्री या फुली एग्जेम्प्ट फुली टैक्स फ्री परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज। इस प्रकार अपन परक्यूजिट्स को समझने से पहले अपन इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, और फुली टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज या फुली एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो पहले अपन बात करेंगे फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज की बात करेंगे पहले। इसमें पहला पॉइंट है रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में समझेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, किराया मुक्त मकान की सुविधा। यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा मुफ्त में रहने के लिए अगर मकान की सुविधा दी जाती है और उससे किराया नहीं लिया जाता है तो वो हो जाएगी किराया मुक्त मकान की सुविधा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको अपन, जैसे मान लो किराया मुक्त मकान की सुविधा यदि गवर्नमेंट कर्मचारी को दी जाती है तो क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर किराया मुक्त मकान की सुविधा दी जाती है तो कितना कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी और नॉन गवर्नमेंट के लिए कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर जैसे वैधानिक निगम वगैरह है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, तो वो नॉन गवर्नमेंट में आ जाएंगे। फिर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो वैल्यू उस कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगी। यानी वह मकान यदि कर्मचारी खुद किराए पर लेकर देता तो वहां पर जो रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आएगी, उस वो वैल्यू टैक्सेबल होगी। अब इसमें क्या एक दो कंडीशन और, एक तो अनफर्निश्ड और एक फर्निश्ड की बात कर लेते हैं एक बार। अनफर्निश्ड यानी असुसज्जित मकान हुआ कि ओनली मकान दिया जाएगा और कोई फैसिलिटी साथ में नहीं दी जाएगी। और फर्निश्ड यानी सुसज्जित, सुसज्जित का मतलब होता है कि साथ में मकान के साथ में फर्नीचर की सुविधा भी दी जाएगी। फर्नीचर जैसे कोई टीवी वगैरह की सुविधा दी जाती है, कोई एसी वगैरह की सुविधा दी जाती है तो वो फर्निश्ड में आ जाएगी। तो जो अनफर्निश्ड में तो क्या है, असुसज्जित में जो वैल्यू रहेगी मकान की वो टैक्सेबल होगी। और फर्निश्ड सुसज्जित में क्या है कि वैल्यू प्लस यदि कर्मचारी खुद का फर्नीचर दे रहा है तो उस फर्नीचर का 10%, और यदि कर्मचारी किराए पर लेकर वो फर्नीचर दे रहा है तो वह जो किराया चुका रहा है वह किराए की राशि उस वैल्यू में ऐड हो जाएगी। बस इतना सा फर्क है अनफर्निश्ड और फर्निश्ड में, एक बार देख लेते। अनफर्निश्ड ओनली
हाउस, और फर्निश्ड में हाउस वैल्यू प्लस 10% ऑफ इन फर्नीचर। अब फर्नीचर में क्या खुद का फर्नीचर दे रहा है नियोक्ता, एम्प्लॉय खुद का फर्नीचर दे रहा है तो उसका 10%, और यदि वह किराए पर दे रहा है किराए पर, जैसे मान लो दूसरी जगह से वह फर्नीचर ले रहा है किराए पर और कर्मचारी को सुविधा अवेलेबल करवा रहा है, तो जो फर्नीचर के रूप में जो किराया दे रहा है वह किराए की राशि हो जाएगी, यानी पेड पेड बाई एम्प्लॉयर। ठीक है, ये बात हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कितना टैक्सेबल होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, बात करते हैं अपन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन अकॉर्डिंग 2001, 2001 की जनगणना के अनुसार ये देखेंगे जिस एरिया में वह जॉब कर रहा है, जहां पर मकान की सुविधा मिल रही है उसको, वह मकान की सुविधा यदि वहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, यदि कर्मचारी को वहां पर जो सुविधा मिल रही है जिस मकान में, उस एरिया की जनसंख्या, उस सिटी की कस्बे की जनसंख्या यदि 10 लाख से कम है, पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, तो क्या होगा, उस कर्मचारी की जो सैलरी है उस सैलरी का 7.5%, 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ठीक है, और यदि वहां की जनसंख्या पॉपुलेशन 10 लाख टू 25 लाख, 10 से 25 लाख के बीच में है, जहां की जनसंख्या उस कस्बे की 10 से 25 लाख के बीच में है, तो उस कर्मचारी की सैलरी का 10% टैक्सेबल हो जाएगा आरएफए के रूप में, 10% सैलरी। ठीक है, और यदि जनसंख्या वहां की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, तो कितना हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 50% उस कर्मचारी के लिए आरएफए के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई किराया मुक्त मकान की सुविधा। अब बात करते हैं सैलरी मींस क्या क्या है। सैलरी मींस है बेसिक सैलरी, अपन 7.5, 10 या 15% जो भी है सैलरी लेंगे, उस सैलरी में क्या क्या शामिल करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, एनी टाइप ऑफ कमीशन, सभी प्रकार का जो भी कमीशन है, प्लस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेज,
ऑफ अलाउंसेज, ये ले लेंगे। अब जैसे मान लो ये तो बात हो गई जो कर्मचारी खुद मकान की सुविधा खुद दे रहा है, खुद के मकान में दे रहा है। अब जैसे मान लो कर्मचारी किराए पर लेकर देता है तो कितना हो जाएगा? यदि एम्प्लॉयर यदि मकान किराए पर लेकर कर्मचारी को देता है तो कर्मचारी के लिए कितना टैक्सेबल होना चाहिए, यानी उसने जो किराया चुका रहा है, यानी एम्प्लॉयर जो किराया चुका रहा है उस मकान के लिए, पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, जो अमाउंट पे कर रहा है, और सैलरी का 50%, 50% 15% ऑफ सैलरी, कर्मचारी की सैलरी का 15% जो भी कम हो, उस कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यदि मकान की सुविधा खुद एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी। यदि वह मकान खुद किराए पर लेकर फिर कर्मचारी को दे रहा है तो उसमें कितना टैक्सेबल हो जाएगा, उस कर्मचारी उस नियोक्ता के द्वारा जो उस मकान के लिए जो किराया चुका रहा है और कर्मचारी की सैलरी का 15%, कर्मचारी की सैलरी का 15%, जो भी कम होगा वो उस कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके अलावा एक बात और देख लेते हैं, कितने दिन का नियम, 90 डेज, 90 दिन का नियम। नब्बे दिन के नियम के बारे में अपन समझ लेते हैं एक बार। 3 मंथ भी कह सकते हैं, 90 डेज रूल, या फिर इसको कह सकते हैं 3 मंथ्स। क्या होता है कि जब एक कर्मचारी का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो जाता है तो ट्रांसफर होने के बाद में कर्मचारी उस दूसरी जगह पे जाकर जाता है और वहां पर भी उसको किराया मुक्त मकान आरएपी की सुविधा अवेलेबल हो जाती है, तो क्या होता है उस कर्मचारी को वहां भी मकान मिल गया और पुरानी जगह भी मकान मिल जाता है, और वहां पर पुरानी जगह पर वह मकान खाली नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा कि दो जगह फायदा ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि नई जगह 90 दिन तक या 3 महीने तक जो भी है, यानी 90 दिन तक उसके लिए टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होगा, जिस मकान की वैल्यू कम है वह उसके लिए टैक्सेबल होगा ये 90 दिन तक, और यदि वह 90 दिन के बाद भी वह खाली नहीं करता है तो दोनों मकानों की जो वैल्यू उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। एक बार दोबारा रिटेलीकास्ट कर देते हैं, यदि कर्मचारी का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो जाता है तो ट्रांसफर होने के बाद में वहां पर भी किराया मुक्त मकान की सुविधा मिल जाती है और पुराने वाले मकान को वह खाली नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा कि वह 90 दिन तक दोनों मकानों में जो भी वैल्यू कम रहेगी वह वैल्यू उस कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगी, और यदि वह 90 दिन के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो वह दोनों मकानों की वैल्यू उस 90 दिन के बाद में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक बार देखिए कौन ये सुविधा किस किस के लिए टैक्स फ्री है, किस किस के लिए एग्जेम्प्ट आर एपी जो है। एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजेज है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनको जो आर एपी की सुविधा देती है वो पूर्णतया टैक्स फ्री रहती है, और खनन क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी ये सुविधा टैक्स फ्री है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्यों या अधिकारियों या विपक्ष के या केंद्रीय मंत्रियों वगैरह को जो सुविधा मिलती है वह भी ये पूर्णतया कर मुक्त होती है, ठीक है। और एक बात और देख लेते हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है, यदि मकान की सुविधा कर्म नियोक्ता के द्वारा दी जाती है और उससे नियोक्ता द्वारा कुछ अमाउंट वसूल किया जाता है कर्मचारी से, तो उस वैल्यू से उस जो अमाउंट वसूल किया जाता है नियोक्ता द्वारा वह अमाउंट घटा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि मकान की वैल्यू 40,000, ठीक है,
टैक्स लगेगा। अब कर जैसे मान लो 4,000 रुपये पर मंथ है, यूं मान लेते हैं ठीक है, उस मकान की वैल्यू 4,000 पर मंथ है, उस कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगा। अब क्या करता है एम्प्लॉयर, नियोक्ता क्या करेगा, उसे 1,000 रुपये पर मंथ ये अमाउंट उससे वसूल करता है, तो उस कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा 3,000। यानी नियोक्ता के द्वारा जो भी राशि कर्मचारी के द्वारा वसूल की जाती है, वह राशि उस कर्मचारी की टैक्सेबल अमाउंट में से घटा दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।